बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आपका महंगा डीएसएलआर जिसके अंदर है एक बढ़िया सा इमेज सेंसर और बड़ा सा लेंस और वो फिर भी 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, जबकि एक सस्ता सा मोबाइल फोन जिसके अंदर है एक छोटा सा लेंस और छोटा सा सेंसर ये आराम से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैमरा वर्क कैसे करते हैं। आपको हर किसी कैमरे में मिल जाएंगे 3 कॉम्पोनेंट। पहला कॉम्पोनेंट है लेंस, दूसरा कॉम्पोनेंट है इमेज सेंसर और तीसरा कॉम्पोनेंट है इमेज प्रोसेसिंग पार्ट। लेंस दोस्तों, जितना आप बेटर यूज करोगे, जितना दोस्तों वो शार्प होगा, उतना ही दोस्तों आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। कैमरा सेंसर दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, सीसीडी और सीमोस। सीसीडी सेंसर्स यूज किए जाते हैं हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग में, जबकि आपको अपने मोबाइल फोन या फिर डीएसएलआर में मिल जाएगा सीमोस सेंसर। और सीमोस सेंसर में दोस्तों आपका फोटो रिसेप्टर के साथ साथ होता है एक एम्पलीफायर जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस एम्पलीफायर की वजह से सारा जो एरिया होता है वो एक्सपोज नहीं होता है। तो यहाँ पर आधर हम लोग यूज करते हैं लेंसेज को या फिर यूज करते हैं बैक साइड इल्यूमिनेशन, जिसमें दोस्तों जो सेंसर होते हैं वो पीछे की साइड को चले जाते हैं। तो यह है सीमोस टेक्नोलॉजी। तो आपके कैमरे के अंदर चाहे सीसीडी सेंसर हो चाहे सीमोस सेंसर हो, इनका वर्किंग एंड प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। यहाँ पर होते हैं बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं और यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं उनको चार्ज में या फिर करंट में। जितने भी ये फोटो रिसेप्टर्स हैं ये सारे के सारे पिक्सल्स ही हैं, और जितना दोस्तों आप इसके ऊपर लाइट डालोगे, मतलब जितना ज़्यादा ये एक्सपोज होंगे उतना ही आपके करंट प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, और बाद में जो आपका इमेज प्रोसेसर है वो इस चार्ज को मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा और आपके सीन के अंदर ब्राइटनेस को या फिर एक्सपोजर को फिट कर देगा। अब बात करते हैं कि कलर कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पर चार पिक्सल्स को कंबाइन करके एक पिक्सल बनाया जाता है। तो यहाँ पर होते हैं दो ग्रीन के लिए पिक्सल्स, एक रेड के लिए और एक ब्लू के लिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बेयर फिल्टर्स को, कलर्स को कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स, और बाद में इमेज प्रोसेसर इसको प्रोसेस करके आपको दे देता है एक कलरफुल इमेज। तो ये है इमेज सेंसर। तीसरा कंपोनेंट जो कि आपको कैमरे में मिल जाएगा वो है इमेज प्रोसेसर। तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसर ही है जो कि सारा डाटा जो कि सेंसर से आया है उसको प्रोसेस करता है, उसमें एल्गोरिथम्स लगाता है, आपको कंप्रेस करके देता है और फाइनली आपको दे देता है रॉ या फिर जेपेक फाइल जो कि आप अपने लैपटॉप पर या फिर कैमरे की स्क्रीन के ऊपर देखते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कैमरे में होते हैं 3 कंपोनेंट्स। पहला हो गया लेंस, दूसरा हो गया इमेज सेंसर और तीसरा हो गया इमेज प्रोसेसर। अब दोस्तों आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि क्यों आपका DSLR 4K में रिकॉर्ड नहीं कर पाता जबकि मोबाइल फोन आराम से कर लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे DSLR हैं मार्केट में जो कि 4K में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बट जनरली अगर आप देखोगे आपका जो DSLR है वो 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है जबकि मोबाइल फोन सस्ता सा मोबाइल फोन कर ले रहे हैं। तो इसका कारण है इमेज प्रोसेसर। जो आपको DSLR में इमेज प्रोसेसर मिलते हैं वो उतने फास्ट नहीं होते हैं जितना कि आपके मोबाइल फोन में होते हैं। तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसर की वजह से ही आपका जो DSLR है वो 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्या हो गया प्रोसेसिंग में। यहाँ पर अगर आप बात करते हो HD में तो यहाँ पर जो HD रेजोल्यूशन होता है वो होता है अराउंड 2.1 मेगापिक्सल्स। अगर आपके कैमरे में 2.1 मेगापिक्सल्स सपोर्टेड है तो आराम से वो HD में या फिर फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। दोस्तों आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो डाटा इमेज सेंसर प्रोड्यूस करेगा वो प्रोसेस होगा इमेज प्रोसेसर में। तो यहाँ पर अगर आपके कैमरे का या फिर DSLR का इमेज प्रोसेसर उस डाटा को प्रोसेस करने में फास्ट नहीं है तो आपका मोबाइल फोन या फिर DSLR HD या फिर फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। अगर 4K की बात करें तो 4K में दोस्तों करीबन चाहिए होते हैं 9 मेगापिक्सल्स। तो यहाँ पर 9 मेगापिक्सल का डाटा मतलब कि इतने पिक्सल्स हो गए और साथ में जो डाटा आ रहा है फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से उसको प्रोसेस करने में अगर आपके कैमरे का इमेज प्रोसेसर फास्ट नहीं है तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। दोस्तों इमेज प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो यहाँ पर लिमिट करती है कि आपका जो मोबाइल फोन है या फिर जो आपका DSLR है वो कितने पी में यहाँ पर मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाएगा।
मोबाइल फोन का जो प्रोसेसर होता है वो काफी फास्ट होता है। ये दोस्तों इसलिए क्योंकि आजकल मोबाइल फोन हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और यहाँ पर जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितनी भी दोस्तों यहाँ पर इन्वेंशन हो रही है वो मोबाइल फोन प्रोसेसर में हो रही है, जबकि दोस्तों DSLR के जो प्रोसेसर हैं वो एज इट इज पड़े हुए हैं, मतलब कि बहुत ही कम उनमें इंप्रूवमेंट होती है। तो यहाँ पर इसी वजह से आपको सेल फोन में जो इमेज प्रोसेसर मिलते हैं वो काफी फास्ट मिलते हैं एज कम्पेयर टू DSLR इमेज प्रोसेसर, और इसी वजह से आपका जो सेल फोन है वो आराम से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4K रिकॉर्डिंग में इमेज सेंसर का ज्यादा रोल नहीं है, यहाँ पर जो रोल है वो है इमेज प्रोसेसर का। तो अगर इमेज प्रोसेसर फास्ट होगा तो आपका जो फोन है या फिर DSLR है वो आराम से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इमेज स्टोरेज की या फिर वीडियो स्टोरेज की। अगर आपके कैमरे में या फिर DSLR में स्टोरेज उस लेवल की नहीं है, जिस लेवल पर दोस्तों यहाँ पर डाटा कंप्रेस हो रहा है उतनी फास्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो DSLR है या फिर कैमरा है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, तो इस कारण से भी 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आप सभी को अब पता चल गया कि क्यों आपका मोबाइल फोन 4K में आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है, जबकि महंगे से महंगे जो DSLR होते हैं वो 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।